हिंदुस्तान में जो लूले लंगड़े और बहरे हैं ये जो काम नहीं कर सकते वही गरीब है। टाइगर दबा देंगे ना, पूरा भस्म कर देंगे चाइना को। पूरे बाजार का बसला हो चुका है और इसके गले में माला डाल दी गई है, देख सकते हैं। स्थिति में पहुंच गए हैं, जो आरक्षण मांगता है वो भिखारी है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं दोस्तों। उत्तराखंड देवभूमि पिथौरागढ़ से मैं मुकेश कांडपाल आपके अपने एम के पहाड़ी चैनल के इस नई वीडियो पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों आई होप आप लोग अच्छे होंगे। घास की गाड़ी आ गई है यहाँ पर, पिकअप सुबह सुबह आ चुकी है और पहाड़ों में इस समय ये देखिए सूखी घास जो है बेची जाती है। जिस क्षेत्र में घास कम होती है वहाँ पर लोग घास को लाते हैं बेचने के लिए। आप देख सकते हैं लेबर के द्वारा यहाँ पर घास को उतारा जा रहा है, पूरी गाड़ी यहाँ पर उतर रही है। फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं ये घास पूरी उतर चुकी है और पिकअप में इस घास को लाया गया था। ए मोहन जी, घास कर सर, घास ठीक है? ठीक जी, कत रुपये लिया अंदर उतारी ना? 50 रुपये में एक पिकअप ही? ठीक से ठीक से, रेट सही है यार। कतुक लगती थे स्टैम उतारन में? 25 मिनट लगे। देख सकते हैं दोस्तों अपने स्थानीय मार्केट में आ चुका हूँ। मेरे को पता होना चाहिए, अभी भी फौज हमारी तरफ देखती है। जितने पुराने फौजी हैं उनको इकट्ठा किया जाएगा और लड़ाई लड़ने के लिए बोला जाएगा। टाइगर दबा देंगे ना, पूरा भस्म कर देंगे चाइना को। रुको जरा, सब्र करो। और क्या, अभी इनसे लठी डंडे चल रहे हैं उधर, लाठी डंडे। पॉलिटिशियन बनने के लिए क्या योग्यताएं चाहिए? कोई भी योग्यता नहीं है, ना एजुकेशन चाहिए ना कोई चीज चाहिए उसके लिए। आपके पास पैसे है तो आप पॉलिटिशियन पक्के बन गए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है यार, उसी के दम पर तो खेल होता है। ये नहीं है तो कुछ नहीं है और उसी के दम पर है। जिनके पास जितना बड़ा पैसा था वो दिल्ली तक पहुँचे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये कल की पार्टी थी, इनको क्या पता है हिंदुस्तान का समाज कैसा है? इनको क्या पता है हिंदुस्तान के समाज के अंदर कैसे चला जाता है? फ्री का राशन गरीबों के लिए ठीक ही हुआ? गरीबों के लिए कुछ भी ठीक नहीं, गरीब नहीं है हिंदुस्तान में। जो लूले लंगड़े और बहरे हैं ये जो काम नहीं कर सकते वही गरीब है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। प्रधानमंत्री अन्न योजना चल रही है अभी, पूरे देश के जो गरीब हैं वो पाले जा रहे हैं प्रधानमंत्री के द्वारा 2024। देश में कोई गरीब नहीं है इस वक्त, 21वीं सदी में पहुंच गए हैं। जो आरक्षण मांगता है वो भिखारी है, जो रिजर्वेशन मांगता है वो भिखारी है इस वक्त, समझ गए? कोई गरीब नहीं है, सब अच्छे खा रहे हैं, अच्छे पी रहे और अपने बलबूते से अपने काम करके खाने वाले लोग जो है कभी गरीब नहीं कराए जा। आपको तंदुरुस्त हिंदुस्तान दिख रहा है अभी? तंदुरुस्त हिंदुस्तान अभी नहीं बना, इतना संघर्ष करने के बावजूद भी हिंदुस्तान अभी तंदुरुस्त हिंदुस्तान नहीं बना है। कितनी होगी नरेंद्र आपकी उम्र? 76 कंप्लीट होने वाले हैं जेठ के महीने में। मतलब बर्थडे बनाओगे फिर बढ़िया करके? बर्थडे क्या मनाना, ऐसे नहीं मना रखा है तो क्या बनाना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सही कह रहे हैं नरेंद्र, ये पुराने आदमी ठहरे भाई, इनको सब पता है। ये लाल बहादुर शास्त्री के फॉलोवर जरूर रहे हैं लेकिन इन्होंने चुनाव कभी नहीं लड़ा। लड़ोगे चुनाव कभी जिंदगी में? ना, चुनाव लड़ना ही। गांव का तो लड़ो फिर इस बार। नहीं, गांव का भी नहीं लड़ना। क्यों, गांव वालों से डर लगता है आपको? गांव वाले से क्यों डरते हैं, दे ही देंगे वो, मुझे दे ही देते अगर मैं इलेक्शन लड़ता तो। मेरे को दे ही दे, लेकिन मेरे पास उतना पैसा नहीं था ना जितना चाहिए था मेरे को एक पॉलिटिशियन बनने में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सकते हैं दोस्तों आज लंगूर आ चुके हैं, दौड़ चुके हैं और भारी भरकम लंगूर आए हैं आज, और दिन के अभी 12 बज चुके हैं और भगाया जा रहा है इनको ग्रामीणों के द्वारा। आप देख सकते हैं ये कच्चे केले लगे हुए हैं और इन लंगूरों के द्वारा यहाँ पर काफ़ी नुकसान किया जाता है। आज बारी बारी से आते हैं, आज जो है लंगूर आए हुए हैं, आप घरों की छतों में भी चढ़ जाते हैं और बिल्कुल भी डरते नहीं है ये। आप देख सकते हैं ये देखिए दोस्तों काइन ज्ञान ताली जाए नी। ये देखिए दोस्तों इनके द्वारा ऐसे भगाया जा रहा है इनको और बिना पत्थरों के भागते नहीं है। आप देख सकते हैं ये देखिए काफी लंगूर आए हुए हैं आज। की काम होना नहीं हुक्का बनाना, हुक्का कैसे बना ले एक ये बात मुड़ो ना गोल का देखो दे कैसे बना बन उसे दोस्तों। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ ये हुक्का बनाने के लिए, ये केले की टेक्निक है। ऐसे बनाऊंगा ये मुड़ा के। अच्छा ऐसे बनाएगा? हाँ भाई, दिन तक पहुँच जाएंगे ये तेरे। अच्छा देख सकते हैं दोस्तों केले के पत्ते का प्रयोग जो है पहाड़ों में लोग धूम्रपान के रूप में करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों मैं अभी अपने घर पे हूँ और
आज बंदरों ने काफी आतंक मचा दिया है यहाँ। फाइनली दो बज चुके हैं, इनको भगाते भगाते। और ये देखिए फाइनली ये नाश्ता भी बन चुका है दिन का। ये अरबी है और पहाड़ों में लोग अरबी जाड़ों के मौसम में काफ़ी बनाते हैं। आप देख सकते हैं ये महिलाओं के द्वारा यहाँ पर जो ये पांच के पत्ते होते हैं इनके शान लकड़ियाँ भी काटी जाती हैं। आप देख सकते हैं ये देखिए महिलाओं के द्वारा लकड़ी काटी जा रही है। दोस्तों आप देख सकते हैं गांव की महिलाएं ऐसी पशुओं के लिए चारा ढोती हैं अपने सर में। आप देख सकते हैं ये देख सकते हैं दोस्तों इन महिलाओं के द्वारा जो पत्ते काटे जा रहे हैं उसकी आवाज़ सुन के ये भी अब अम्मा अम्मा कर रही हैं। आप देख सकते हैं ओ ये ले आ जाते हैं। ये जो आवारा बछड़ा है इसके गले में ये माला डाल दी गई है। दो दो रोटी सब खिलाते हैं इसको जो भी आता है ना सुबह तुरंत आ जा रहा है। के द्वारा इसको बंद खिलाया जा रहा है आप देख सकते हैं। और ये जो बछड़ा है ये आवारा था और ये अब ये पूरे बाजार का बछड़ा हो चुका है और इसके गले में माला डाल दी गई है आप देख सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। दोस्तों दिन के 12 बज चुके हैं और आज गैस की गाड़ी पहुंच चुकी है और ये देखिए गाँव में लोग सिलेंडर भरने को काफी लोग आए हुए हैं। सिलेंडर की गाड़ी आई हुई थी आज और फाइनली आज मैंने माइकल के माध्यम से इसको पहुंचा दिया है घर पे। आप देख सकते हैं ये ले जा रहे हैं कंधे में ढोके और लोग ऐसे ही गाँव में सिलेंडर को ले जाते हैं। ये कद्दू के आपको टुकड़े दिखाई दे रहे होंगे और ये पुष्ट कद्दू है और इसको पहाड़ों में बड़े बड़े टुकड़े बना के इसको पानी में उबाला जाता है और इसमें हल्का सा मीठा डाला जाता है। और कुछ कद्दू जो होते हैं ऑलरेडी प्राकृतिक रूप से मीठे होते हैं और लोग इसको दवाई के रूप में इस्तेमाल करते हैं। पुराने ज़माने के जो हमारे बुज़ुर्ग पहाड़ों में रहते थे वो लोग इसका इस्तेमाल करते थे। आज भी ये प्रथा यहाँ पर गांव में आपको दिख जाएगी। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं पहाड़ों में इसमें शादियों का काफ़ी सीज़न चल रहा है और आज इधर इस गाँव पर बारात आई हुई है गंगोलीहार से। आप देख सकते हैं और यहाँ पर बारात पहुँचते ही आतिशबाजी की जा रही है, आपको सुनाई दे रहा होगा। और शानदार पहाड़ों में इस समय मौसम चल रहा है माँ के महीने। मैं आपको छलिया नृत्य दिखाने जा रहा हूँ, आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। दोस्तों दो बज चुके हैं और ये देखिए आज मैं आपको बांस के पेड़ दिखाने जा रहा हूँ। और पहाड़ की महिलाएं जो होती हैं काफ़ी रिस्क लेके पेड़ों से पत्तियाँ काटती हैं। आप देख सकते हैं ये देखिए मैं आपको ये बांस का वृक्ष दिखा रहा हूँ, इतना लंबा पेड़ है ये और इसकी पत्तियाँ काटी गई हैं ऊपर तक। और इस तरफ भी देखिए और ऐसे ही पहाड़ की जो महिलाएँ हैं पेड़ों में चढ़ के जानवरों के लिए पत्ता काटती हैं आप देख सकते हैं। और नीचे रोड बनी हुई है, पहाड़ों में मौसम जो है शुष्क है और हरी घास नहीं मिल पाती है तो गाँव की महिलाएं पेड़ों में चढ़ के पत्तियां काटती है जानवरों के लिए। ये देख सकते हैं आप, ये आप देख सकते हैं दोस्तों ये बैल जो हैं चढ़ के आ चुके हैं जंगलों से और फाइनली करीब 3 बज चुके हैं। आप देख सकते हैं ये निराई गुड़ाई करने के लिए चली गई है मम्मी। ये आप बता रहे थे कि हमारे यहाँ भी एक नाकोट गांव है, कहाँ पर है वो गांव? ठीक सामने यहाँ पे भी गांव है और यहाँ पे नाकोट कहते हैं इस गांव को। दोस्तों मैं आज पंचेश्वर वाली बेल्ट पे हूँ और पहाड़ों में एक ही नाम के कई गांव होते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं इस वाली बेल्ट में गन्ना काफ़ी बोया जाता है और अभी गन्ना जो है पूरी तरह तैयार हो चुका है पहाड़ों में और ये इसके पत्तियों को गाय बच्चियों को खिलाया जाता है और इसका गुड़ भी तैयार किया जाता है और लोग इसको वैसे भी इसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों पहाड़ों में गन्ना 2 बार काटा जाता है और दीपावली के मौसम में महालक्ष्मी पूजन में इसका बड़ा योगदान है और इसकी काफ़ी डिमांड रहती है और काफ़ी अच्छा रेट भी मिलता है उस समय बाज़ारों में और लोग इसको काफ़ी ले जाते हैं पूजा के लिए।
और इसकी पत्तियां जो हैं गाय को खिलाई जाती हैं, और ये आयुर्वेदिक एक पत्ता माना जाता है गाय बच्चियों के लिए। सूरज बताओ, टेस्ट करो ना, कैसा हो रहा है इसका टेस्ट? मीठा हो रहा है बताओ तो। काफ़ी बड़ा है देख लीजिए, और बहुत मीठा होता है, इससे गुड़ भी बनता है। आप देख सकते हैं सूरज की गाय बच्चियां इनको काफ़ी चाव से खा रही हैं। बहुत अच्छा मानती है गाय गन्ने के पत्तियों को। गन्ने ये देखिए यहाँ पे उगाए गए हैं। इस सीज़न में आपने और अपने बगीचे में क्या क्या लगा रखा है अभी? हमने प्याज वगैरह भी लगाए हैं, देख सकते हैं बिना खाद के उगाया जाता है पहाड़ों में। इतने छोटे पीस सारे क्यों बना दिए हैं? खाने के लिए तो ठीक है। ये इनसे बीज बनता है, ये बीज के लिए कलम करके इसको लगाएंगे तो दूसरा उगेगा। दोस्तों आप देख सकते हैं गन्ने को लगाने की ये टेक्निक है, और गन्ने के छोटे छोटे पीस बना के इसको दोबारा लगाया जाएगा तो गन्ने के पेड़ फिर उग जाएंगे। आई होप दोस्तों आपको पहाड़ी लाइफस्टाइल का ये ब्लॉग ज़रूर पसंद आएगा, और गाँव में ऐसी खुशहाल ज़िंदगी लोग जीते हैं। और पहाड़ी लाइफस्टाइल के ऐसे ब्लॉग्स देखने के लिए आप MK पहाड़ी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही ब्लॉग्स मैं आगे भी आपके लिए लाता रहूँगा। आपका प्यार और स्नेह बना रहे। पहाड़ी लाइफस्टाइल के ऐसे ब्लॉग्स देखने के लिए MK पहाड़ी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।